गाने की पर्टिकुलर जर्नी जो स्टार्ट हुई वो मेरे कॉलेज से स्टार्ट हुई, जिसमें कि जो प्रॉपर जिसे कहते हैं कि ऐसा लगा कि हाँ यार आगे करना चाहिए यही और यही करूँगा अब मैं, तो वो मेरी कॉलेज से स्टार्ट हुई। मेरे जूनियर्स थे और उन लोगों के साथ मैं गया था और मैं ऐसे ही गा के आ गया और मैं गा के वापस आ गया। एक्चुअली गाने के बाद ना वहाँ पे 1.5-2 घंटे बाद रिजल्ट आता है एंड देन उसके बाद आगे फर्दर आप आगे अपना वो जो भी कंपटीशन होता है उसमें आगे आप जाते रहते हैं फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो मैं गा के वापस आ गया, मैंने कहा बाहर तो निकाल ही देंगे, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर आके बास्केटबॉल खेलता हूँ अपने कॉलेज में, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बात तो है। उन लोगों का कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए और नेक्स्ट राउंड आपका 15-20 मिनट बाद ही है, तो मैंने इग्नोर कर दिया और यही बात मेरे सर को पता चली, वसी सर को। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी तसल्ली से एकदम इज्जत के साथ क्लास लगाई और फिर उसके बाद मैंने फिर कोई कंपटीशन छोड़ा नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से द एसएम शो में। और आज जो मेरे साथ हैं, स्टैंड अप कॉमेडी से उनका कोई नाता तो नहीं है, पर आज म्यूजिक की इंडस्ट्री से आप लोगों को मिलवा रखे लेकर आया हूँ एक उभरते सितारे से, और जिनका अपना एक बैंड है, लीड वोकलिस्ट है, गिटार भी बजाते हैं, काफी कुछ करते हैं और बड़ी अच्छी हमारी मेमोरीज भी हैं उनके साथ। तो मिलवाता हूँ आज आप लोगों को अंकेश झा से। उनकी एक म्यूजिक वीडियो जो है, छोटा सा उसका पोर्शन देखिए, उसके बाद उस तरफ मिलवाता हूँ मैं आपको अंकेश भाई से, और जरा बताइएगा कि ये चेंज आप लोगों को कैसा लगा स्टैंड अप कॉमेडी से म्यूजिक में। पास हो तो दूर क्यों लगे कि मन मेरा कहे, क्यों अजनबी से आज हम हुए, क्या भूल तुम गए, वो कुछ हंसी से पल थे यारी के, चलो न संग जी, क्यों बैठे हो अकेले रूठ के, चलो न संग मेरे, बेकरार दिल उम्मीदें लिए बैठा है। तो अंकेश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बताओ कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और वापस आके काफी अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा अच्छा लग जी मुझे भी रहा बहुत अच्छा लग रहा है बात करके, काफी टाइम बाद, काफी सालों बाद। एक्चुअली इट्स लाइक 6 years आई गेस, 6 or 7, है। 2015 में शायद हम लोगों ने एक साथ सिक्स काम किया इयर्स था। काम क्या किया था, खैर वो एक मस्ती थी, एक बढ़िया फन वाली चीज थी, तो उसके बारे में जी भी बात करेंगे, सब 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 बताएंगे तुम लोगों को। बस उससे पहले एक बार जाके वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो पूरी देखने के बाद शेयर कर देना। और सबसे पहले कोविड कैसा बीत रहा है आपका? मतलब कि ये लॉकडाउन जो लग रहे हैं बार 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 बार, कैसे बीत रहे हैं ये? अभी फिलहाल मतलब एज पर एक म्यूजिशियन को मतलब ज्यादा फर्क वैसे पड़ता नहीं है इन सब चीजों का, मतलब एक लाइव शोज के अलावा ज्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं हम लोगों को, क्योंकि हमारा सारा काम घर से ही होता है हमेशा, तो हमारा एनवायरनमेंट कोई चेंज हुआ नहीं है, हमेशा एवरी टाइम वर्क फ्रॉम होम ही होता है। बहुत ज्यादा जब हम लोग शिफ्ट करते हैं तो स्टूडियो चले जाते हैं, तो वही है, स्टूडियो सेशंस ज्यादा हो रहे हैं और हम लोग स्टूडियो में अपने आगे के एल्बम के लिए काम कर रहे हैं। लास्ट जब कोविड हुआ था, लास्ट ईयर कोविड स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन लगा था, तो हम लोगों ने 3 गाने निकाले थे और तीनों अलग अलग करके निकालते हैं, सिंगल्स निकालते हैं, एक साथ एल्बम नहीं निकालते। अब इस कोविड में अब लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं और बिल्कुल जा नहीं पा रहे हैं कहीं पे भी, घर के अंदर ही हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है रिकॉर्डिंग्स वगैरह में और बाकी सारी चीजों में भी, बट वी आर वर्किंग ऑन इट और 2-3 गाने और रेडी हो चुके हैं और होपफुली जैसे ये खुलता है तो बहुत जल्दी सबके सामने वीडियो के साथ आएंगे हम लोग फिर से। बढ़िया। और
भाई के जो अपने लिखे हुए सॉन्ग्स हैं और खुद के कंपोज किए हुए सॉन्ग्स हैं वो आप लोग जरूर सुनिएगा, मैंने भी सुने हैं। एक बेकरार दिल है और एक जी कहानी, आ जाओ नींदों में एक कहानी। एक जी कहानी, बहुत बढ़िया बढ़िया सॉन्ग्स हैं यार, मैंने सुने हैं, मुझे काफी अच्छे लगे और थैंक यू लिरिक्स सो मच, लिरिक्स वाइज भी काफी अच्छे लगे। बहुत मतलब बहुत शुक्रिया। इसके बारे में भी अभी बात करेंगे कि लिरिक्स आजकल कैसे चल रहे हैं। फिलहाल सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि म्यूजिक आपने शुरू कब किया? यार ये बड़ा ही बहुत सब्जेक्टिव सा ही सवाल है। हाँ सब्जेक्टिव सा सवाल भी है, और इसका कोई आंसर एक्चुअली मेरे पास है नहीं। बिकॉज सीन क्या है कि हम लोग कोई म्यूजिक एक म्यूजिक से रिलेटेड कोई फैमिली है नहीं, और म्यूजिशियन कोई भी मेरी फैमिली में है नहीं। तो ये मैंने कब स्टार्ट किया, कैसे किया, ये तो बिल्कुल आइडिया नहीं। बट हाँ, गाने का शौक बचपन से ही था। अपने स्कूल में भी मैं गाता ही रहता था पूरे टाइम। मतलब टाइम से पहले पहुंचने की आदत थी, तो स्कूल में भी पहले पहुंच के खाली रूम में एक बढ़िया सा रिवर्ब मिलता था। पहले तो ये सारे नाम वाम भी नहीं पता थे हमें, तो उसमें गाने में बड़ा अच्छा लगता था, ईगो आता था और बहुत ही प्यारी सी आवाज आती थी, अब तो उसमें बोलते थे गाते कि रहते थे हम। यार तेरी आवाज बड़ी अच्छी गूंजती है। अच्छा हाँ मतलब, लेकिन इस तरह तक मैं पहुंचा नहीं था। मतलब जैसे ही कोई आता था मैं चुप हो जाता था, तो मॉर्निंग मैं असेंबली से पहले बिल्कुल का टाइम जो होता था बेसिकली। बेसिकली मैं मॉर्निंग असेंबली से भी बहुत पहले पहुंच जाता था स्कूल अपने। मतलब पूरे स्कूल में चौथा या पांचवा बंदा होता होगा, मैं अपनी क्लास में तो पहले ही बंदा होता था। और फिर मैं एकदम रज के गाता था पूरे उस रूम के अंदर, और जैसे ही एक भी बच्चा आ जाता था उसके बाद मैं चुप हो जाता था। फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल जैसे हम लोग होते थे वैसे ही करते। तो ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई थी। मतलब गाने की पर्टिकुलर जर्नी जो स्टार्ट हुई वो मेरे कॉलेज से स्टार्ट हुई, जिसमें कि जो प्रॉपर जिसे कहते हैं कि ऐसा लगा कि हाँ यार आगे करना चाहिए यही, और यही करूंगा अब मैं, तो वो मेरी कॉलेज से स्टार्ट हुई। और इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, अगर बस हो आप जाए कहें तो फिर मैं ये इस... कहानियों के लिए ही तो मतलब। ये मेरे कॉलेज में, भी ऐसा ही सीन था जैसा मैं स्कूल में था, कि मतलब बहुत कम लोग जानते थे कि मैं गाता हूँ या गा के सुनता हूँ या गाना पसंद करता हूँ बहुत सारा। लेकिन हॉस्टल में, कॉलेज मेरा गाजियाबाद में ही था, HRIT। आपने तो कॉलेज में मतलब क्या पढ़ाई की है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड अरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओ आ ओ एक और यार, हाँ तो मैं साइंस की फील्ड से हाँ मैं बाहर नहीं निकल पा रहा तो वो मैं समझ सकता हूँ। तो जब कॉलेज में गया तो कॉलेज मेरे घर से, मतलब अभी मैं रोहिणी में रहता हूँ, और उस टाइम पे भी रोहिणी से मेरा कॉलेज अप्रॉक्स 62-70 किलोमीटर पड़ता था। तो फिर हॉस्टल ले लिया, और हॉस्टल में मुझे याद है मेरा पहला दिन, बाकी सारी चीजें तो लेके गए थे लेकिन मैं अपना गिटार भी लेके गया था। तो जैसा होता है ना, सबको लगता है कि हाँ यार ये गिटार लेकर के हीरो बनेगा और ये करेगा वो करेगा, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं था और मुझे कोई मतलब नहीं था दुनियादारी से। तो मैं अपने रूम में ही, अपने रूम में, सिर्फ अपने रूम में गाता था। सुबह अपनी क्लास जाता था, शाम को वापस आता था, फिर अपने गाने गाता था। और फिर मतलब ये मेरा टेन्योर चलता रहता था। और कुछ जो मेरे नॉन, जो मेरे फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड सर्कल था मेरा 5-10 बंदों का, उन फ्रेंड सर्कल में उन लोगों को पता था हाँ इसको गाना अच्छा लगता है, गाता है, और ये बाकी सारी चीजें हैं। पर ये सारी चीजें बहुत ही लिमिटेड लोगों को पता थी, सबको नहीं पता थी कि हाँ यार ये भी है, ये भी करता है। तो इस चीज पे मेरे को एक, मेरे हैं सर वैभव प्रकाश सिंह, बड़ा ही हैवी सा नाम है, और ये बहुत ही अच्छे गेमर हैं, ये मेरे सीनियर थे। तो इन्होंने मेरे को एक दिन पकड़ करके बहुत मतलब क्लास लगाई इज्जत के साथ, बहुत ही अच्छी तरह समझाया और बाकी सारी चीजें करी। देन उसके बाद मैंने ना कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना स्टार्ट करा। तो कुछ टाइम ऐसा आया कि अब फिर उस वाली लाइन में और उस वाले कॉलेजेस में ऐसा होता था कि मेरे को पहले से ही बाहर कर दिया जाता था कॉम्पिटिशंस में जब मैं जाता था पार्ट बाहर लेने कर के दिया लिए। जाता था, मतलब कि आउट कर दिया जाता था। हाँ मतलब मैं पार्ट ही नहीं ले पाता था, मेरे को पहले से ओके ही एक, पहले से ही कह देते थे नहीं नहीं आप जाओ।
ऐसा कोई खास दो, रीजन? हाँ दो तीन कंपटीशन लगातार जीत गया था मैं, ओ कल गलती से जीता या जैसे भी जीता, तो उसके वो बाद लग से गया। मेरे को, हाँ उसके बाद से फिर मैं जिस जिस कॉलेज में जाता था ना, तो मेरे को पहले, मतलब पहले राउंड में भी नहीं जा पाता था मैं, फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं हो पाता था। देन उसके बाद एक एसआरएम यूनिवर्सिटी है उधर, मोटा से आगे पड़ता है एक एसआरएम यूनिवर्सिटी, वहां पर एक कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन में मैं सेकंड आया। उस कंपटीशन की भी एक स्टोरी है वैसे। तो उस स्टोरी में ऐसा था कि मेरे जूनियर्स थे और उन लोगों के साथ मैं गया था, और मैं ऐसे ही गा के आ गया और मैं गा के वापस आ गया। एक्चुअली गाने के बाद ना वहाँ पे 1.5 2 घंटे बाद रिजल्ट आता है, एंड देन उसके बाद आगे फर्दर आप आगे अपना वो जो भी कंपटीशन होता है उसमें आगे आप जाते रहते हैं, फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो मैं गा के वापस आ गया, मैंने कहा बाहर तो निकाल ही देंगे, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर आके बास्केटबॉल खेलता हूँ अपने कॉलेज में, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बात तो है। उन लोगों का कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए और नेक्स्ट राउंड आपका 15 20 मिनट बाद ही है। मैंने ओके कर दिया, उस टाइम पे ज्यादा बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, कॉलेज स्टूडेंट ही थे, तो मैंने इग्नोर कर दिया। और यही बात मेरे सर को पता चली, वसी सर को, और हम उनको वसी बोलते थे, वसी सर। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरी तसल्ली से एकदम इज्जत के साथ क्लास लगाई, और फिर उसके बाद मैंने फिर कोई कंपटीशन छोड़ा नहीं, ये सारे दूसरी कॉम्पिटिशन में क्लास पास थी या गया। ये पहले वाली ही क्लास है? यही पहले वाली क्लास ये थी, ये पहली इससे वाली क्लास रिलेटेड थी। थी। हाँ इन मतलब एक ही बार क्लास लगाई उन्होंने, एंड वो क्लास मेरे को अभी भी याद है, और उसी क्लास की वजह से मैं अभी आज यहाँ पे हूँ, जहाँ पे भी स्टैंड कर रहा हूँ। क्योंकि वो एक होता है यार कि जब आप घर से दूर होते हो ना, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे पर्सन होने चाहिए, आपके साथ एक ऐसा पर्सन होना चाहिए कि जो एक पॉजिटिव वाइब आपके पास क्रिएट करें। जरूरी नहीं होता कि सिर्फ पढ़ाई ही हो और सिर्फ उसी के बारे में बातचीत हो तभी उसी से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास बंदे होने चाहिए जो कि अच्छा आपको गाइडेंस दें और आगे ये सारी चीजें कंटिन्यू करा सकें, और उनमें भी ऐसा मादा होना चाहिए, वो भी कोई चीज दिखानी चाहिए। तो वही था वसी सर का, उन्होंने मेरे को ये सारी चीजें समझाई और ये सारी बातें बताई, और फिर उसके बाद ये सारी चीजें स्टार्ट करी। मैंने पहला गाना अपना आई गेस 11th क्लास में लिखा था, लिखा और था, मतलब लिखा कि था खुद जी, का गाना लिखा। क्या बात है। हाँ जी, खुद का गाना मैंने 11th क्लास में लिखा और था, पहला गाना था कौन और सा आपका? आ जाओ नींदों में आ जाओ नींदों रिलीज, रिलीज हाँ रिलीज पहला सॉन्ग आ जाओ नींदों में नहीं था, रिलीज मैंने कहानी किया था, कहानी मैंने बहुत बाद में लिखा था, 2013 समथिंग में, जब मैं गोवा गया था तब मैंने लिखा था कहानी, कहानी में काफी सॉरी। सारा वो बीच वगैरह का भी पोर्शन आप लोगों ने लिया हुआ है, हाँ तो वो मतलब हर गाने के साथ एक एक स्टोरी है, तो 11th में मैंने ये आ जाओ नींदों में लिखा था, और बस वही था, अकेले अकेले की जर्नी थी, ये बाहर तक नहीं आई थी, और वसी सर ने पुश किया तो फिर बाहर आना स्टार्ट हो गया ये। अच्छा, आपने कभी गिटार और म्यूजिक में जो वोकल्स हैं उसपे कभी प्रोफेशनली ऐसे सीखा है? प्रोफेशनली मतलब कि ट्रेनिंग लेके किसी गुरु से सीख के, या फिर नहीं सब नहीं आपका नहीं अपना है? या अपना तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो कहते हैं ये अपना, वो मेरे को समझ में नहीं मतलब आता अपना कि क्या होता है। खुद की प्रैक्टिस से आया एक वो। हाँ एक लर्निंग होती है आपकी, आप कुछ भी करके अगर किसी को भी देख के अगर आप सीख रहे हैं तो वो एक लर्निंग ही है मेरे हिसाब से। हाँ बट किसी गुरुजी के पास बैठ करके इज्जत के साथ अभी तक तो मतलब एज सच पूरा का पूरा नहीं सीखा, एक बार कोशिश करी थी जा करके सीखने की, पर वही है हालात और बाकी सारी चीजें वो मैच नहीं कर पाई, और टाइमिंग का इशू हो गया हम लोग के, फिर रेगुलर शोज होने लग गए और शोज और गुरुजी के पास जाने का टाइम मैच नहीं हो पा रहा था, और गुरुजी के पास बहुत सारे शिष्य पहले से ही थे, तो वो टाइम मिसमैच हमेशा से वो होता ही था। ये बट हाँ चीज लेकिन मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि फिर बैच में आप पीछे हो जाते हो, फिर कोई कितना ही आपको बैकअप करके, कितना ही आप वो कर सकता है, क्योंकि हाँ, और एक ये भी होता है कि ना आप एक एक अपना पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है कि आप पर्टिकुलर जा करके आप कैसे करना चाहते हैं, मतलब एक गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और बिल्कुल है, मेरे को अभी तो बहुत ही है, मेरे को अभी कुछ भी नहीं आता है, बट एक
वो है कि पर्टिकुलर टाइम निकाल करके गुरु जी के पास जाना, वो अभी फिलहाल हो नहीं पाया है। ज्वाइन करा था मैंने लेकिन बस वही आगे वो कोप अप नहीं हो पाया साथ में, कोई नहीं टाइमिंग कोई से नहीं, इशू के। इसकी भी अलग कहानी बनेगी, इसका भी टाइम आएगा जब आप अलग से इस चीज को भी करोगे। खैर बिल्कुल बिल्कुल करना ही है, बिल्कुल हाँ करना है, ज्वाइन तो करना ही है। बिल्कुल, और तब एक अलग सॉन्ग निकल के आएगा। तो हाँ बिल्कुल मिक्स टेप भैया आपने कैसे स्टार्ट किया? मिक्स टेप क्या आपके कॉलेज से स्टार्ट हुआ या कॉलेज के बाद स्टार्ट हुआ? मिक्स टेप की क्या कहानी है? मिक्स टेप की कहानी ऐसे ही है, मतलब ये रिलेटेड साइड बाय साइड ही चलती रही, पर मिक्स टेप से पहले जो है वो मेन कहानी है जो सारी की सारी जो एक वे में चलती रही। मैं अपने फ्रेंड से मिला था, उसका नाम रिनाल है, अभी मैं उसी के साथ काम कर रहा हूँ। मैं कॉलेज से वापस आ रहा था मेट्रो से, और वो मुझे वेलकम या शाहदरा के स्टेशन पे मिला। उसने अपना कीबोर्ड टांग रखा था और बहुत थका हुआ था, और हाइट ज्यादा बड़ी भी नहीं है मृणाल की, तो नीशु कहते हैं उसे। गाने का शौक तो था ही, तो ऐसे ही ऐसा मैंने उसे ऑफर कर दिया सीट की, भाई आप बैठेंगे? तो ये सेट की हाँ यार बिल्कुल बैठूंगा, क्योंकि वो बहुत थका हुआ लग रहा था शक्ल से। तो मैंने सीट ऑफर कर दी और इसी में बातचीत हुई, और यही बातचीत आगे बढ़ करके वो हम लोग बैंड मेंबर्स बन गए। तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था वो था पंचतंत्र के साथ। मेरा पहला बैंड जो था वो पंचतंत्र था, और उसमें मैं वोकलिस्ट भी नहीं था, उसमें मैं एज अ रिदम गिटारिस्ट ज्वाइन हुआ था, और वो भी एक मतलब उसमें पहले से एक अनुष मेरा भाई वो गिटारिस्ट था, और उसके बाद मैं एक रिदम गिटारिस्ट था, और वो पूरा बैंड था, और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और उसी के साइड बाय साइड आगे चलते चलते फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। एक दो शोज करे हरियाणा में, किसी कॉलेज में जाकर के जीत भी गए, कॉलेज का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। और उसके बाद ये सारी की सारी जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर ऐसे ही एक मिसहैप भी हो गया, अनुष को हम लोगों ने खो दिया, उसका हार्ट फेल हो गया था, तो लॉस्ट है। तो उसके बाद फिर ये पंचतंत्र जो है वो एक साइड रह गया। फिर मेरे एक जैसे गिटार लिया था तो उनके साथ स्टार्ट करा था गिटार, तो उन्होंने मेरे को पहली शुरुआत की कुछ चीजें बताई थी, गिटार पे ऐसे करो ऐसे करो, ये ऐसे कॉर्ड होती हैं ऐसे कॉर्ड चलती हैं। तो उनका नाम जॉय था, जॉय है मतलब, तो जॉय सर के साथ मैंने स्टार्ट करा। तो जॉय सर के साथ पहले जॉय सर उन्होंने ढूंढना स्टार्ट करा था कि किसी सिंगर को देखते हैं यार, और मतलब मैं कभी भी वोकलिस्ट नहीं था किसी भी बैंड का, एज अ फ्रंट मैन मैं कभी नहीं था। 2014-15 तक मैं फ्रंट मैन नहीं था, मैं बिल्कुल एज अ बैकएंड पे चल रहा था। और ऐसे ही हम लोग ढूंढ रहे थे कि हाँ कोई अच्छा सिंगर आएगा तो फिर मैं रिदम प्ले करूंगा। तो ऐसा होता था कि जो भी सिंगर आता था ना वो 1.5-2 घंटे गाता था, देन उसके बाद आधा घंटा लास्ट में मैं गाता था जॉय सर के साथ और ड्रमर के साथ, और फिर आधा घंटा लास्ट में मैं गाता था। और फिर ऐसे ऐसे करते करते जॉय सर ने कहा यार छोड़ते हैं सिंगर, एक काम करते हैं तेरे साथ ही स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और यही चीज हुई कि मेरे कॉलेज का फेयरवेल था, और फेयरवेल के नेक्स्ट डे हमारा पहला शो था। पहला शो मतलब इन द सेंस मेरा एज अ फ्रंट मैन पहला शो था एज अ द टाइम्स ऑफ वोकलिस्ट। एज अ वोकलिस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टेज पे, और तब वो स्टार्ट हुआ था राहगीरी वाला वो। ओके तब मैं वोकलिस्ट था अहिरी का, और अहिरी ने द टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टेज पे जो है परफॉर्म करा था उस टाइम पे। और फिर उसके बाद वहां से अहिरी का एक जर्नी स्टार्ट हुआ, क्लब के शोज मिलने स्टार्ट हुए, कैसे नोवा क्लब था कैफे, वहां पे हमने शोज करे। फिर उसके बाद बहुत सारे शोज मिले 2016 में, 2016 तक ये सारे शोज मिले। और फिर 2016 में जॉय सर जॉब भी करते थे, तो जॉब और ये सारी चीजें मिक्स मैच हो रही थी बहुत सारी, तो फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई मिक्स टेप की। अच्छा, आपका प्लेसमेंट सेल
के साथ क्या नाता था, मतलब कि आपके कॉलेज के बाद आपको प्लेसमेंट तो ऑफर हुई होगी ना, हाँ सो वो आपने ली थी या फिर आपको लगा था कि अब नहीं म्यूजिक में ही करना है, और हाँ फैमिली ने इसको किस यार तरह से लिया था? वो स्टार्टिंग था यार, एक्स्ट्रा करिकुलर जब आप कर रहे होते हो और उसको आप कहते हो कि मैं प्रोफेशन बनाऊंगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली टू यू नो ऑब्जर्व दीज थिंग्स, कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो जब तक आप उनको एक स्टेबिलिटी और जब तक आप उनको एक चीज दिखा नहीं जब तक देते एक तब तक स्टेबल अमाउंट ऑफ मनी उसमें से नहीं दिखता है कि, और वो भी रेगुलर आता हो, वो हाँ, चीज रेगुलरिटी तो एक आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत मुश्किल है, बट एक आपका क्या होता है कि एक देखो घर वाले कभी भी वही होता है, उनकी बातें आपको पिंच कर सकती है लेकिन उनकी नियत बहुत अच्छी होती है, वो हमेशा आपके भले के लिए बोलते हैं। तो वही होता है कि समझना पड़ता है थोड़ा सा, और हम सबको भी। अब मैं रिजिट था इस चीज के लिए और मुझे करना था ये, तो मैंने कहा कि ठीक है जैसा होता है कि इतना है तो फिर इतना आ जाएगा और इतने में हम लोग कर लेंगे, जो होगा देखी जाएगी। तो वो चीज थी और उस चीज को फिर आगे को करा और आगे से फिर जब ये एक्सेप्ट तब हुआ जब 2016 में मैंने आईआईटी दिल्ली का शो करा। आईआईटी दिल्ली में मैंने हेडलाइन करा और आईआईटी दिल्ली में मैंने अपने बैंड के साथ शो करा पूरा, और वहाँ कॉलेज में बहुत बड़े बड़े फोटो वगैरह सब कुछ लगे हुए थे, ऑडिटोरियम के बाहर हमारे फोटोज थे और बाकी सारी चीजें थी। वो चीजें फोटो खींच करके घर वालों को दिखाई, घर वालों ने भी कहा कि यार जिस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो उस कॉलेज में जा करके तुम हेडलाइन कर रहे हो, ठीक है अच्छा है। फिर उसके बाद हम एक हमारे बहुत ही अच्छे ओनर 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 है वो, आज के ओनर थे, अब आज बंद हो गया, तो उनके साथ मेरी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो उनके साथ रिलेट होकर के काफी सारे शोज करे और वो वही एक स्टेबल अमाउंट आने लगा घर पे, और वो स्टेबिलिटी जो है वो घर वालों को दिखने लगी, और उसी के साथ साइड बाय साइड बहुत सारे कॉलेजेस के शो कर लिए, तो प्रिंट मीडिया में भी आ गए, द हिंदू में आ गए, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आ गए, कटिंग्स आ गए, फिर एक काइट फेस्टिवल कर लिया था दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट का, तो बहुत ही बड़ा पोस्टर द्वारका में लगा हुआ था, हम लोगों को बिल्कुल नहीं आइडिया था ना पता था मुझे कि मेरा पोस्टर भी लगा है, और वो पोस्टर ये तो पोस्टर वॉज वेरी ह्यूज, मतलब कि आपको रोड पे दूर से जो दिखता है ना उतना बड़ा पोस्टर था, और वो सारी चीजें हुई। फिर न्यू ईयर के शोज मिलने लगे, फिर काफी बड़े बड़े शोज मिलने लग गए, और बहुत ही एकदम से जो बूस्ट सा हो गया, तो वो चीजें फिर घर वालों को भी दिखी, और फिर घर वालों ने देखा कि हाँ ठीक है यार कोई गलत काम तो कर नहीं रहा, पेपर वेपर में आ रहा तो सही है, अच्छा है चलो करने दो, लड़का कर लेता है तो हमारा सही काम कर रहा है, मतलब ऐसा है कि हाँ अब रिश्तेदारों को बता सकते हैं कि हाँ शर्मा नहीं जी कि रिश्तेदारों मतलब को गूगल में काम तो नहीं कर रहा है, पर ये देखो दिल्ली में छाया नहीं एक्चुअली हुआ लड़का रिश्तेदारों हमारा। को रिश्तेदार ही जो व्हाट्सएप ग्रुप तो चालू हो ही गए थे, और मेरी जो फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा स्प्रेडेड है पूरे इंडिया में, तो जो द हिंदू गुजरात में छपा था उसमें फोटो छपी हुई थी वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ चुकी थी, तो घर वालों को रिश्तेदारों से ही आ रहा था तेरा बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वो सारी चीजें थी, और सही था मतलब ऐसा ही था, ये सारी चीजें साइड बाय साइड चलती रही। काफी बढ़िया, मतलब ये है कि अगर आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, लगन से करते रहो, एक ना एक टाइम आएगा कि इट्स नॉट अबाउट चीजें डिफरेंट यार, सॉर्ट आउट होंगी। बिल्कुल आप अगर कोई जॉब भी करते हैं तो आपको जॉब भी अगर ढंग से करते रहेंगे तो आपको इंक्रीमेंट और आपका ग्रोथ होता रहेगा, भले ही आपको काम वही करना पड़े और वो चीजें आपको बिल्कुल सेम वही आप कोडिंग ही कर रहे हैं, लेकिन वो एक ग्रोथ आपका साइड बाय साइड होता रहेगा, वही चीज इसमें भी है, आप अपना काम करते रहे और वो साइड बाय साइड आपका बढ़ता रहता है, बस आपको काम करना है रेगुलरिटी में।